हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो रिसेंटली आई पोस्टेड अ वीडियो रिगार्डिंग टॉप कॉलेजेस फॉर फार्मासी स्टूडेंट्स इन पुणे और उसके नीचे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मेक अ वीडियो फॉर मुंबई एज वेल सो हियर आई एम विथ एन अनादर अमेजिंग वीडियो फॉर यू गाइज सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप कॉलेजेस फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स इन मुंबई तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे लिस्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी द मोस्ट फेमस कॉलेज अब आप सभी को पता है कि ये कॉलेज कितना फेमस है फॉर देयर एजुकेशन फैसिलिटी और ये कॉलेज एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है अगर इसके इनटेक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड थर्टी इनटेक होता है फॉर बी फार्मेसी अगर पिछले साल का कट ऑफ कंपेयर करो तो पिछले साल कट ऑफ था नाइन्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट तो इस साल भी उसके आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है बिकॉज ये कॉलेज बहुत कॉम्पिटिटिव है ऑल्सो इसकी एन आर एफ रैंकिंग बहुत अच्छी है अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इस कॉलेज को ज़रूर से कंसिडर कीजिए अब आते हैं अगले कॉलेज पर तो अगला कॉलेज है के एम कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और ये कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है अब गवर्नमेंट एडेड यानी इस कॉलेज़ की फ़ी प्राइवेट कॉलेज़ से थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस फ़ी अब लास्ट के टाइम के वीडियो में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एडेड कॉलेज के बारे में बताइए माइनॉरिटी कॉलेजेस के बारे में बताइए तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करें एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे एडेड एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस इंक्लूडेड है ऑल्सो प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड है तो अगर हम के एम कुंदानी कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कस करें तो वो था ऑलमोस्ट अराउंड 99.2 परसेंटाइल इट्स टू हाई बट सेकेंड या थर्ड राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल लो है तो फिर अगर हम इसके इंटेक की बात करें तो 60 अराउंड इंटेक होता है ऑल्सो ये कॉलेज एडेड होने के बाद सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज भी है यानी जो भी स्टूडेंट सिंधी माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज में स्पेशल सीट रिजर्वेशन होती है तो अगर आप सिंधी माइनॉरिटी है तो आप ज़रूर इस कॉलेज को कंसिडर कीजिए तो आते हैं अब अगले कॉलेज पर तो अगला कॉलेज है डॉक्टर बानूबे नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये कॉलेज बहुत फेमस है और इसके एन रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और टॉप मोस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को बट ये कॉलेज एक अनएडेड कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड के अंडर नहीं आता तो आप इसकी फ़ीस जरूर से इसके वेबसाइट पर चेक कर लीजिए अब अगर माइनॉरिटी की बात करें तो ये बानूपिन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुजराती माइनॉरिटी स्पेशली बिलोंग करते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स गुजराती माइनॉरिटी में हैं तो वो ज़रूर से इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि माइनॉरिटी का कट ऑफ ओपन के कट ऑफ से डिफरेंट होता है तो आपको यह कॉलेज में ज़रूर एडमिशन मिल सकता है और अगर लास्ट ईयर के ओपन के कट ऑफ की बात करें तो इस कॉलेज का कट ऑफ था 99.5 परसेंटाइल तो ज़रूर से आप इस कॉलेज को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो तो आते हैं अब अगले कॉलेज पे तो अगला कॉलेज है द मोस्ट फेमस बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी अब ये कॉलेज सेंटा क्रूज मुंबई में लोकेटेड है और अगर इस कॉलेज के इनटेक की बात करें तो ये हंड्रेड इंटेक देता है फॉर स्टूडेंट्स अब ये कॉलेज भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है यानी एडेड कॉलेज भी है और अनएडेड सेक्टर्स भी है इस कॉलेज में एडेड यानी वो कॉलेजेस जिनकी फ़ी कम होती है और अनएडेड यानी वो कॉलेजेस यानी प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी फ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडेड कॉलेजेस अब ये एडेड होने की वजह से इसका कट ऑफ भी हाई है यानी इसका कट ऑफ लास्ट ईयर अराउंड नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंटेज गया था तो इस साल भी उसके आसपास जा सकता है लेकिन इस साल थ्री राउंड्स है तो इसीलिए आप ज़रूर से इस कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं बिकॉज थर्ड राउंड तक कट ऑफ कम भी हो सकता है अब आते हैं अगले कॉलेज पर तो अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये कॉलेज नवी मुंबई में लोकेटेड है अगर इस कॉलेज के इनटेक की बात करें तो ये कॉलेज सिक्सटी इनटेक देता है और ये कॉलेज एक अनएडेड कॉलेज है ये एडेड नहीं है तो आप इसकी फ़ीस ज़रूर से कंसिडर कर लीजिए ऑल्सो ये कॉलेज भी बहुत फेमस है अपने स्टूडेंट्स को गुड एजुकेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए अगर इसके कट ऑफ की बात करें तो ये कॉलेज 97.7 सेवन पॉइंट था लास्ट टाइम तो इस साल भी उसके आसपास जा सकता है तो आप ये कॉलेज को भी कंसिडर करिए अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो अब अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में एन एम आई एम एस का शोभाबेन प्रताप भाई पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी अब ये कॉलेज बहुत अच्छा है इसकी रिसेंट एन आर एफ रैंकिंग यानी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की एन आर एफ रैंकिंग लेवन है ऑल्सो ये हाई फी चार्ज कर सकता है तो क्योंकि ये अनलिमिटेड कॉलेज है तो आप इसकी फ़ी ज़रूर से कंसिडर कर लीजिए और ये बहुत अच्छा कॉलेज है बहुत कॉम्पिटिटिव एनवामेंट देता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप ज़रूर से इस कॉलेज को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में एम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी ये जो एम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मुंबई है ये एक अनएडेड इंस्टीट्यूट है यानी इसकी फ़ीस आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर सकते हैं थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इसके बाद इस कॉलेज का जो इनटेक है वो सिक्सटी इनटेक है और अगर हम इसके लास्ट ईयर की परसेंटाइल की बात करें तो ये इसका परसेंटाइल था नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट ज़ीरो तो इस साल भी उसके आसपास जा सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है अब अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी एच के कॉलेज ऑफ फेमस अब ये कॉलेज भी अनएडेड है बट ये कॉलेज हिंदी माइनॉरिटी कॉलेज है यानी जो भी स्टूडेंट हिंदी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं वो ज़रूर से इस कॉलेज को ट्राई कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट कोटा यानी जनरल का कोटा और माइनॉरिटी का माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का कोटा डिफरेंट होता है तो आप ज़रूर से ये कॉलेज को ट्राई कर सकते हैं अब इस कॉलेज का इंटेक हंड्रेड है और अगर इसके लास्ट ईयर की परसेंटाइल की बात करें तो इसका परसेंटाइल गया था अराउंड नाइन्टी सेवन परसेंटाइज तो इस साल भी उसके आसपास जा सकता है तो कट ऑफ हमेशा वैरी होते हैं कभी एक जैसे नहीं रहते है. तो आप इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं एंड मुंबई लोकेशन को प्रेफर करते हैं अब अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी अब ये कॉलेज भी अनएडेड है बट ये कॉलेज माइनॉरिटी है यानी ये कॉलेज एक सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है जो भी स्टूडेंट सिंधी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं वो ज़रूर से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उनका कट ऑफ अलग होगा एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी उसके बाद अगर इसके इनटेक की बात करें तो ये हंड्रेड इनटेक प्रोवाइड करता है और अगर इसके लास्ट ईयर की परसेंटाइल की बात करें तो ये नाइन्टी सिक्स पॉइंट नाइन ज़ीरो परसेंटाइल था लास्ट ईयर तो इस साल भी उसके आसपास जा सकता है आप ज़रूर से इस कॉलेज को कंसिडर करिए अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो अब अगला कॉलेज है हमारे लिस्ट में स्टर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अब ये कॉलेज ज़्यादातर नवी मुंबई एरिया के साइड में लोकेटेड है ये कॉलेज भी एक अनएडेड कॉलेज है अगर हम इसके इंटेक की बात करें तो इसका इंटेक सिक्सटी है और अगर हम इसके परसेंटाइल की बात करें यानी लास्ट ईयर का परसेंटाइल तो इसका परसेंटाइल था अराउंड नाइन्टी सिक्स पॉइंट वन परसेंट तो इस साल भी ज़रूर से उसके आसपास जा सकता है बट ये कॉलेज भी अच्छा है आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप मुंबई लोकेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो अब ये थे वो कॉलेजेस जिसमें जो कोविड है यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं अब एक और कॉलेज है जो मुंबई में लोकेटेड है जो फॉर वुमेंस है वो है सी यू शाहू कॉलेज ऑफ फार्मेसी वुमेन मुंबई अब ये कॉलेज एक एडेड कॉलेज है यानी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वुमेंस कॉलेज प्रेफर करते हैं प्लस एडेड प्रेफर करते हैं आपके परसेंटाइल भी हाई है तो आप ज़रूर से ये कॉलेज को कंसिडर करिए क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है फॉर वुमेंस ऑल्सो अगर इसका इंटेक देखें तो ये थर्टी इंटेक देते हैं फॉर स्टूडेंट्स और अगर इसके लास्ट ईयर की कट ऑफ़ की बात करें तो इसका कट ऑफ था 99.86 परसेंट आई तो कट ऑफ तो हाई है बट हो सकता है सेकेंड या थर्ड राउंड में कम आए ऑल्सो इस साल का कट ऑफ उससे वैरी भी हो सकता है तो आप ज़रूर से इस कॉलेज को फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में डाल सकते हैं इन योर ऑप्शन फॉर्म अगर आपको ये कॉलेज प्रेफर करना है तो ज़रूर से कीजिए अब ये थे कुछ टॉप कॉलेजेस मुंबई में जो बहुत फेमस है फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स अब इसके अलावा भी मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस हैं आप उनकी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो और वो कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सेंटाइज आप कॉलेजेस का नाम डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस का नाम डालिए ताकि आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज इंक्रीज हो जाए अगर मैं अब इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी दूँ तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप मोस्टली प्रेफर कीजिए के एम कुंदानी कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी या बॉम्बे कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी या फिर सी यू शाहू कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी वुमेन अगर आप अनएडेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं आई सी टी मुंबई बानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी भारतीय विद्यापीठ तो आप ये जितने भी कॉलेजेस मैंने बताए हैं वो अच्छे कॉलेजेस हैं और अगर आप मुंबई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस कॉलेज को कंसिडर कीजिए बिकॉज ये आपको गुड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड डोंट वरी अगर आपको इसके अलावा भी कोई कॉलेज मिलते हैं तो भी आप जरूर से प्रेफर कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड है फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड करना कॉलेज की ड्यूटी है बट करियर बनाना इज़ इन आर हैंड तो हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कॉलेज को और अपना हार्डवर्क डाल के अपना करियर एक अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं अगर इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो अगर आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए थोड़ा सा डिले हो जाए तो प्लीज़ कंसिडर दैट एंड डू रिमेंबर आई विल डेफिनेटली इंक्लूड योर कमेंट इन माई वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून विथ अनादर अमेजिंग वीडियो बाय